नमस्कार दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मैं कमल शर्मा आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल कमल एकेडमिक कोच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है ये हमारे जीवन में गुरु की महत्व को दर्शाने वाला पर्व है कि गुरु का हमारे जीवन में क्या स्थान होता है। जिन लोगों के जीवन में गुरु नहीं होते वो अपना जीवन यापन क्या कैसे करते हैं, उनको क्या क्या कठिनाइयाँ अपने जीवन में आती हैं और उनको उनका हल ढूंढने के लिए जगह जगह भटकना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे गुरु के महत्व को डिस्कस करूंगा, गुरु क्या है वो बताने की कोशिश करूंगा आपको, और इस प्रकृति में कौन कौन सी चीज़ें हमारी गुरु हो सकती है उसके बारे में बात करूंगा। आपको वीडियो को एंड तक देखना है, बने रहना है, और एंड में आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे, प्यारा लगे तो उसको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। आइए पहले हम जानते हैं गुरु आखिर है क्या। प्रकृति देखिए, सबसे पहले जब कोई भी मनुष्य जीवन में यहाँ जन्म लेता है धरती पर तो उसका सबसे प्रथम गुरु होता है कौन, ये प्रकृति उसकी गुरु होती है। अगर हम ध्यान दें तो इस प्रकृति से तमाम बातें हम अपने जीवन में ला सकते हैं। ऐसी बातें, ऐसे गुण रहस्य होते हैं जो शायद हमें कोई बताएगा नहीं। अगर हम ध्यान दें धरती की तरफ, धरती हमारा पहला गुरु होती है जो हमें सहनशीलता का पाठ सिखाती है। उसके बाद अगर हम बात करें नदियों की, तालाब की, झरनों की, नदियां हमें ये सिखाती हैं कि जीवन में हमारे अवरोध आते रहते हैं लेकिन फिर भी उन अवरोधों के होते हुए भी हमें निरंतरता से बहना सिखाती हैं। पर्वत हमेशा मस्तक ऊंचा करके स्वाभिमान से जीना सिखाता है। लदे हुए वृक्ष हमें विनम्रता सिखाते हैं, और वृक्ष ये भी बताते हैं, पुष्प वृक्ष फल हमें ये बताते हैं कि हमें अपना जीवन जो है दूसरों के प्रति समर्पित करना चाहिए। ये स्वयं अपना अस्तित्व खोकर हमें जीवन जीने की असली कला सिखाते हैं। तो असल मायने में जो प्रकृति है वो हमारी पहली गुरु है। हमारी दूसरी गुरु होती है माँ और हमारा परिवार, जो हमें जीवन के प्रति अपना नज़रिया बनाने के लिए हमें प्रेरित करती है। हमें दूसरों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें समाज में अपनी किस तरीके की प्रतिष्ठा बनानी चाहिए, परिवार का मान सम्मान किस तरीके से हम ऊंचा कर सकते हैं, ये सारा ज्ञान हमें अपनी माँ से मिलता है। तो प्रकृति के बाद माँ हमारी पहली गुरु होती है, और उसके बाद हम तमाम जैसे जैसे स्टेजेस से निकलते हैं तो हमें अलग अलग तरीके के गुरु प्राप्त होते हैं, और हर व्यक्ति हमें जीवन में कुछ ना कुछ सिखाता है। और ये बात भी मैं आपको बता रहा हूँ, आज ही मेरे एक मित्र हैं, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे सुबह सुबह विश किया गुरु पूर्णिमा के लिए कि जीवन में हर व्यक्ति से हमें कुछ सीखने को मिला है, तो मुझे आपसे भी कुछ सीखने को मिला है, उसके लिए मैं आपका हार्दिक आभारी हूँ। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं इस बात को लेकर एक वीडियो बनाऊं और आप सभी लोगों को गुरु के महत्व से परिचित कराऊं। तो इस पूरे महत्व को बताने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, बहुत छोटी सी, कि गुरु हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है और गुरु का हमारे जीवन में कैसे महत्व है। बहुत समय पुराने समय की बात है, एक लड़का हुआ करता था। वो लड़का जहाँ कहीं भी जाता था कुछ ना कुछ गलत हो जाता था। वो कुछ भी नया करने की कोशिश करता था सब बेकार हो जाता था। सारे गांव के लोग, सारे शहर के लोग उससे पनौती कहते। एक दिन वो लड़का बड़ा परेशान हुआ, दुखी हुआ, सोचने लगा कि मेरा इस जीवन में मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा, तो इससे अच्छा तो यह है कि मैं अपने जीवन की लीला को यहीं समाप्त कर दूँ। और वो चला गया एक नदी के किनारे मरने के लिए। उसने सोचा कि आज मैं नदी में कूद कर पानी में डूब कर अपनी जान दे दूँगा। वो नदी के किनारे बैठा ही था कि अचानक से उसकी जो नज़र है एक बगुले पे गई। वो बगुला बड़े चुपचाप एक पैर पे खड़ा होकर नदी में खड़ा हुआ था, और वो क्या कर रहा था, उसने अचानक से मछली पकड़ी और मछली को ऐसे उछाला और फिर अपनी चोंच से पकड़ के उसको खा गया। उसको देखने में अच्छा लगा लड़के को, उसने देखा और वो बगुले के पास गया। बगुला क्या करता, मछली पकड़ता, उछालता, पकड़ता और खा लेता। अब उसको लड़के को उसमें इंटरेस्ट आने लगा। जो मरने का इरादा लेकर वो घर से निकला था वो भी उसने छोड़ दिया, और उसने सोचा यार ये काम तो बहुत अच्छा है, इसको मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। उसने वहाँ एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था, उसको उसने मुँह से पकड़ा, उछाला और मुँह में पकड़ लिया। बड़ा अच्छा लगा उसको, उसने सोचा यार ये तो नई आर्ट सीखने को मिली आज, चलो हम औरों को दिखाते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, वो सबको अपनी आर्ट दिखाने लगा। एक दिन, दो दिन, चार दिन, दस दिन करके वो धीरे धीरे पूरे गांव में फेमस हो गया कि यार ये तो एक नई आर्ट सीख के आया है। अब उसने क्या किया, लकड़ी को छोड़कर ये करतब चाकुओं से करना शुरू कर दिया। छोटे चाकू से लेके बड़ी तलवार को मुंह से उछालता और झट पकड़ लेता था। धीरे धीरे उसका नाम गांव से निकलकर शहरों तक गया। एक शहर, दो शहर, चार शहर, पूरे के पूरे
वर्ल्ड में उसने अपना नाम कर लिया कि कोई ऐसा एक व्यक्ति है जो तलवार और चाकुओं से अपना कर्तव्य दिखाता है। एक दिन क्या था, जब वो बहुत फेमस हो गया, बहुत पैसे वाला हो गया, तो उसको अपने जीवन के सबसे बड़े शो को करने का मौका मिला। वो शो को करने गया, उससे पहले आपको पता है पत्रकार लोग आते हैं और इंटरव्यू लेते हैं, तो पत्रकारों ने पूछा भाई आपकी आर्ट तो बड़ी फेमस है, ये है वो है, उन्होंने तमाम तरीके के क्वेश्चन किए। उन क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये भी था कि आपके गुरु कौन है। जैसे ही उस व्यक्ति ने एक क्वेश्चन सुना कि आपके गुरु कौन है, वो एकदम से बौखला गया, बोले गुरु, इस जीवन में कोई किसी का गुरु नहीं होता है, कोई किसी को कुछ नहीं सिखाता, हम यहाँ इस धरती पर आए हैं, पैदा हुए तो हमें सारी चीज़ें खुद ही करनी पड़ती हैं, कोई मार्ग नहीं दिखाता, कोई गुरु नहीं होता। पत्रकारों ने उनका इंटरव्यू लिया, उसके बाद वो अपने शो को करने के लिए चले गए। शो स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे कर्तव्य दिखने चालू हुए, उन्होंने एक तलवार को अपने मुंह से उछाला और जैसे ही उन्होंने मुंह से उसको लपकने की कोशिश की, वो तलवार सीधी यहाँ से यहाँ आर पार, और वो व्यक्ति वहीं उसी समय स्टेज पर मर गया। इस कहानी की शिक्षा है, आप सभी समझ गए होंगे कि उस व्यक्ति का गुरु कौन था। अगर आप समझ गए हैं कि उसका गुरु कौन था, तो इस गुरु को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं मुझे। तो हमारे जीवन में कोई भी व्यक्ति गुरु हो सकता है, और गुरु का स्थान उतना ही पवित्र होता है जितना किसी इंसान का या किसी बड़े गुरु का। हर व्यक्ति गुरु होता है, हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देता है, और उस शिक्षा को लेकर हम अगर आगे बढ़ें तो हम न केवल अपने गाँव, अपने शहर, बल्कि पूरे देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। गुरु तो लकड़ी के उस टुकड़े के समान होता है जो बड़े से बड़े भारी लोहे के, अगर कड़े की बात करें, अगर एक लोहे का कड़ा ले हम उसको पानी में डालें तो वो पानी में डूब जाता है, किंतु अगर उस लकड़ी के, उस लोहे के कड़े को एक लकड़ी के एक मुट्ठे में हम फंसा दें तो वो जीवन भर पानी की सतह पर तैरता रहे। तो गुरु का तो हमारे जीवन में नाम ही बहुत होता है। अगर गुरु का आशीर्वाद हमारे सर पे है तो हम भारी से भारी दिमाग, भारी से भारी मन अपना लेकर इस दुनिया में जीते रहे, तब भी हमारा गुरु जो है, हमारे गुरु का नाम जो है, वो हमें इस दुनिया के सारे जी जंजाल से निकाल कर पार ले जा सकता है। तो मैं इस कहानी के साथ, मैं आशा करता हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। मैं कोई बहुत विशेष ज्ञानी आदमी तो नहीं हूँ जो उपदेश दे सकूँ, लेकिन जो कुछ भी मैंने सीखा वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भविष्य में भी इस तरीके की कई कहानियाँ और कई रोचक तथ्य मैं लेकर आपके सामने आता रहूँगा। बाकी पढ़ाई की वीडियोस तो मैं ला ही रहा हूँ, वो तो मेरा पहला काम है, ठीक है। तो बस मेरी आपसे यही विनती है कि आप अपने जीवन में अपने गुरु के महत्व को पहचानें और अपने गुरु के चरणों में अपना जीवन पूरी तरह से अर्पित करें, ठीक है, क्योंकि एक गुरु ही है जो बिना किसी स्वार्थ के हमें अपना संपूर्ण ज्ञान सौंप देता है और हमें इस जीवन में, इस निष्ठुर संसार में जीने का हमें सार प्रदान करता है। धन्यवाद, मैं आपका फिर से धन्यवाद करता हूँ मेरे चैनल कमल एकेडमिक कोच पे। बस इसको ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और बने रहिए। धन्यवाद।